बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी इज्जत अफजाई जनाब। निके जे बंदे नूं तालियां बजा के तुसीं किड्डा ले कर दिंदे हो। इस तरह किसी बंदे नूं ना गलत फहमी जी होती, मैं हर एक ही चीज। एक बंदे ने दूजे नूं कहा, कहन लगा मैं अपनी अख नूं चक मार सकना। कह लगा नहीं मार सकता। उन्हें कहा जी आओ जी मन जाएंगे जे तू चक मारेगा। वह बंदे कट्ठे कर लगा, देखो बंदा कि पागल है, कहता मैं चक मारांगा अख नूं। उन्हें अख कढ़ी, चक मारे अख रखली, अख जाली सी। उन्हें कहा नहीं नहीं नहीं, बेईमानी हैगी है, तेरी अख जाली हैगी है, तू ये दसिया नहीं कि अख नूं चक मारेगा। कहना जी मैं दूसरी अख नूं भी चक मारा। कह नहीं हो सकता। आओ जी इधर देखो, बंदा एक अख नूं चक मारे, दूसरी अख नूं चक मार लगा। देखो जी कमाल है जी, अस्से पानी पसरे पाउन। देखो क्यों उन्हें किया, उन्हें भीड़ कढ़िया अख नूं चक मारिया भीड़। सो जनाब की तशरीफ आप जी का बड़ा शुक्रिया। जनाब की ना फरा महजबी और दिलदार वालों जनाब तुम सलाम तो कबूल कर ही लिया होना, बोलिया चलिया माफ। प्रोग्राम जनाब की इजाजत ना शुरू कर दें। जनाब सारे मेहमान पांच नत प्रोग्राम के खास मेहमान टाइम कट के आए ने, उन्हों की मेहरबानी है। जमाने तालब इलमी तो ही बड़े चमकदार तालब इलम यूनियन बाजी और डिबेट हिस्सा लेंदे रहे। तकरीर का फन उन्होंने कोल सी, लीडरी उन्होंने की, लेकिन उन्होंने पता नहीं कि उन्होंने पॉलिटिशियन बन जाना है। वकालत के पेशे का ताल्लुक, जिसल उन्होंने देखा कि मेरे इलाके की नुमाइंदगी नहीं हो रही तो खुद मैदान सियासत आए और साफ सुथरे किरदार का मुजाहरा किया। पंजाब हुकूमत के वजीर बराए कानून पार्लिमानी अफेयर जनाब चौधरी मोहम्मद फारूक। तालियां सुन के इंज तो नहीं लगा अपने हल्के च आ गए हो? कुछ कुछ लगता है, है जी लगता है। अच्छा, लेकिन बंदा सिर्फ एम पी ए होए और फिर वजीर हो जाए तो अपने हल्के कट जाता है, क्योंकि पूरे पंजाब का ख्याल उन्हें रखना पैंदा। जिन्हें तो सियासत करनी हो तो हल्के नालों नहीं कटदा, तो जिन्हें सियासत इस वास्ते की हो कि मैं मैंबर बन जावा तो मैंबर बनने के बाद वजीर बनना, यही मेरा मुस्तकबिल है, वो जरूर हल्के कोलों कट सकते हैं, वरना नहीं कटे जाते। वरना की करते तुसी? मतलब पंजाब एडा वाला सूबा माशाला सलामत रहे, हर जगह से जाना है, हर जगह से वफद आ रहे हैं, तो अपने हल्के लिए किस तरह टाइम कट दो? अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, नीयत होवे कि आवाम की खिदमत करनी, इलाके की भी खिदमत करनी, मुल्क की भी खिदमत करनी, सूबे की भी खिदमत करनी, तो बंदा मैनेज कर लेंगे। और एदा तरीकेकार यही है कि आदमी अपने इलाके में भी टाइम दे, जिन्हां नाल वादे करके बंदा इलेक्शन लड़दा है, कामयाब होंदा है कि मैं कामयाब हो गया तुहाडी खिदमत करांगा, तो जे इलाके वाल रुख ना करो, उन्होंने मसाइल ना सुनो, तो फिर जाहिर है आदमी दोबारा सियासत दे विच उत्थे मकबूल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इस मकसद लई मैं जिहड़ा तरीकाकार रखे होया वह है कि हफ्ते दे विच कोशिश करी दी कि कम अज़ कम दो दिन जिहड़े ने इलाके च गुजारे जाण। एक दिन जुमा का दिन है जोड़ा वो इलाके मुख्तलिफ पिंड थावान से जाके गुजारी है, इलाके के हालात मालूम करी देने, दुख दर्द लोगों के शामिल हो, उन्होंने खुशी के भी शामिल हो। और हफ्ते वाला रोज़ है जोड़ा वो अपने दफ्तर बैठ के तो उत्थे इलाके तमाम लोग जोड़े ने आए होंगे ने, सुबह तो लैके रात गए तक उन्होंने मसाइल सुनी देने, जोड़े मामलात मौके पर हल हो सकते हैं वह मौके पर हल करवाई देने, बाकी दिन जो उन्होंने काम काज कट्ठे करके ਨਾਲ ਲੈ ਆਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਮਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ? ਕਾਲਜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਔਰ ਮੁਸਬਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਲਈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲਈ सिर्फ बोलना ही जरूरी है या सुनना भी जरूरी है? जी जमहूरीत बोलना भी जरूरी है, लेकिन सुनना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। सबर करना, बर्दाश्त करना और तहमल दे नाल पेश आना है जड़ा, और तहमल दे नाल किसी मामले नू बर्दाश्त करना वह बहुत ज्यादा जरूरी है। और जमहूरीत का इतकाज़ है कि अपनी बेशक सुनाओ, लेकिन जो अपनी ना भी सुना सको तो दूजे की गल जी जरूर सुनो। दूसरे हुकूमत इख्तलाफात असी लोग चौंकां च दस्तो गरेबान हो रहे होंगे कि मेरा लीडर चंगा है, मेरा लीडर चंगा है, तुसीं रल रल कट्ठे चावां पीन दे होंदे, एक दूसरे विआह शादी जा रहे होंदे, बस
ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦਲਦਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਹਾਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਦ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਸ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਫਾਮੋ ਤਫਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਲਈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਖਤਲਾਫ ਉਹ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਔਰ ਥੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਨੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਨਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ।